चंद्रहास का जन्म। किस्सा उस समय का है, एक समय जो हस्तिनापुर से महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने और यज्ञ के अंदर घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़ा की रखवाली के लिए कुंती नंदन अर्जुन जो भी राजा उस घोड़ा को पकड़ता था वो कुंती नंदन अर्जुन उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छुड़वाता था। घोड़ा श्यामकरण और चलता चलता महिष्मती नगरी के अंदर सर्वप्रथम के अंदर जाता है, फिर चलता चलता जिस राज के अंदर भी जाता है उसी से कुंती नंदन अर्जुन युद्ध करके घोड़े को छुड़वाता है। बताते हैं जब वो घोड़ा चलता चलता और कुंतलपुर के अंदर जाता है, कुंतलपुर की कांकड़ के ऊपर जाता है उसी टाइम के अंदर और सबके सब योद्धा जो अर्जुन के साथ में थे उनसे अर्जुन मन में सोचता है कि अब घोड़ा कौन से नगर के अंदर गया है। सबके सब भयभीत हो रहे थे उसी टाइम के अंदर और भगवान ब्रह्मा पुत्र नारद नीचे उतरता है, देख करके नारद को कुंती नंदन अर्जुन चरणों में नमन करता है और उसी टाइम नारद जी से पूछता है कि नारद जी ये यज्ञ का घोड़ा कहाँ पर गया है। जब उसी टाइम ब्रह्मा पुत्र नारद जी और एक कुंती नंदन अर्जुन से बताना शुरू कर देता है तो क्या तो नारद जी बता रहा था और क्या कुंती नंदन अर्जुन सुन रहा था। देख मेरी बात सुनो, मैं तो लागू तो थूको। ओहो देखर नारद का चरणा में, देखर नारद का चरणा में अर्जुन शीश नवावे करियो सोच भी सार अर आइंडे आकरा घोड़ो गुम गो मिर भवे आर की पार
अर कैडे चलो गो गोड़ो यग को ब्यौत समझ में को ना आवे नारद जे को कमल खिलावे दानी में घोड़ो बड़ गो बोथ बड़ो बले वान अर बात सुनो नारद की अर्जन की फीकी पड़गी शान अर सुन सुन करके अर्जन को जिए घबरावे की।